गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम विजेंद्र कुमार, मैथ टीचर फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया बाय हीरोन फॉर्मूला. किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम हीरोन फॉर्मूले से एरिया कैसे फाइंड करेंगे. तो आज हम आपको करवा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ एनसीईआरटी बुक. क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. पेरीमीटर इज 42. उस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है जिसकी टू साइड 18 और 10 दे रखी हो एंड एरिया पेरीमीटर 42. तो देखिए इसमें क्या करेंगे. ए की वैल्यू क्या है हमारी 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सी हमारे पास नहीं है, सी को क्या ले लिया हमने एक्स. ठीक है, इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं. उसमें हम इंडिकेट कर सकते हैं कि एक साइड हमारी 18, सेकंड 10 और थर्ड एक्स. पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 दे रखा है. अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बाई हीरोज फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. तो हमारे पास सी नहीं है. अब इसने पेरीमीटर 42 दिया है. व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल. पेरीमीटर है वो ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम है. तो ये जो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, यहां से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42. क्लियर? ए 18 प्लस बी 10 प्लस सी 42. सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, सो सी इज इक्वल टू 14. सी आपके पास कितना आ जाएगा? 14. ठीक है. नाउ एस फाइंड करेंगे. अब देखो जनरली आपके पास तीनों साइड आ गई, तो आप एस इन तीनों साइडों का सम बाय टू कर सकते हैं. या आपके पास पेरीमीटर है 42 का हाफ, 42 बाई टू. ठीक है, सो एस इज इक्वल टू आपके पास होगा 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई टू, और 42 बाई टू 21 सेंटीमीटर. नाउ एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका अंडर रूट. ठीक है, एस कितना है आपके पास? 21. 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14. मल्टीप्लाई 21 माइनस 10 11 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट या फैक्टर बना लेंगे. 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 और इसका अंडर रूट. अब अंडर रूट से हम पेयर को बाहर लेते हैं, तो 7 का एक पेयर बन गया मींस 7 मल्टीप्लाई 3 मींस 3. 11 क्या रह गया? अंडर रूट. सो आपके पास एरिया क्या आ गया?
21 अंडर रूट 11 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स एंड पेरिमीटर इज गिवन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, उसमें क्या है कि आपके पास ट्रायंगल की साइड का रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइडों का रेशियो, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25, साइड्स रेशियो कितना हो गया आपके पास 12:17:25, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 और पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जनरली एक ट्रायंगल है आपके पास, अब ट्रायंगल के हमारे पास एक भी साइड गिवन नहीं, साइडों का रेशियो गिवन है, जिसमें हमारे पास साइडों का रेशियो होगा उसमें हम लेट कर लेंगे। सपोज सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट ए बी, ए साइड हमने कितनी ले ली 12x, बी 17x, सी 25x, ठीक है, यानी जो हमारे पास साइड्स है का रेशियो है उसके साथ एक्स लेकर के हम उसको सपोज कर लेंगे। अब आपके पास इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 540, सो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड, सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, इनका सम करेंगे तो सम ऑफ 2714 1 2 3 4 5 5 4 0 x is equal to 540/54 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। अब a साइड आपकी कितनी बन जाएगी 12 × 10 = 120, 17 × 10 = 170, 25 × 10 = 250, ठीक है, s आपके पास क्या आएगा, s 120 + 170 + 250/2, इनका सम कितना आएगा 554, मीन्स 554/2 270। एरिया निकालेंगे तो एरिया s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 270 × 270 − 170 and 270 − 250 अंडर रूट 270 × 150, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 × 20 अंडर रूट 270
फैक्टर बना लेंगे, इसका रूट कंप्लीट निकलेगा, 20 का, 150 का और 270 का फैक्टर बनाएंगे तो ये आपका आ गया 9 मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 का रूट कंप्लीट निकल आएगा 30 मल्टीप्लाई, इसके पेयर बनाएंगे तो 30 का आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 10 एज इट इज रहने देंगे 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट आ गया 3, पेयर बाहर निकलाएगा 3, पेयर बाहर निकलाएगा 5, 100 का अंडर रूट आएगा 10, 4 का 2, ठीक है मल्टीप्लाई 9, 9 5 जा 90 और 450 2 900 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।